कल सियासत में भी मोहब्बत थी, आज मोहब्बत में भी सियासत है। नमस्कार, सियासी नुक्ताविद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई अब घर के नौकर तक आई। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा यानी चैत्र नवरात्रि का पहला दिन हिंदू नववर्ष के स्वागत का होता है। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूल कर गले मिलते हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा कराते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में गुड़ी पाड़वा के मौके पर भी सियासी कड़वाहट दूर नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे इन दोनों के बीच खटास और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय विदर्भ के चुनावी दौरे पर हैं। नागपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी के लिए रोड शो कर रहे हैं। उनके रोड शो को कामयाब बनाने के लिए नितिन गडकरी और शिंदे गुट वाली शिवसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। विदर्भ को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसी इलाके से आते हैं। इस इलाके में शिंदे गुट वाली शिवसेना को अपनी जमीन नए सिरे से बनानी है, इसलिए एकनाथ शिंदे कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, वो भी बेहद आक्रामक अंदाज में। विदर्भ के रामटेक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की विचारधारा को त्याग दिया, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। शिंदे ने आगे कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे की विचारधारा से समझौता होते देख उन्हें विद्रोह करना पड़ा। शिंदे ने पहली बार उद्धव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे तो हमें यानी पार्टी पदाधिकारियों को अपना दोस्त मानते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे हमें अपने घर का नौकर समझने लगे थे। एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना से बगावत की थी। कई दिनों तक चले घटनाक्रम के बाद उन्होंने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी। उसके बाद गंगा यमुना और गोदावरी में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन उद्धव ठाकरे पर इतना बड़ा निजी हमला एकनाथ शिंदे ने पहली बार किया है। उद्धव और एकनाथ शिंदे के सियासी रास्ते 2 साल पहले यानी जून 2022 में अलग अलग हो गए थे, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो दोनों नेताओं और परिवारों के बीच सेतु बने हुए थे। शिवसेना के विभाजन का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। कानूनी तौर पर जब ज्यादा नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के साथ चले गए तो उन्हें शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण भी मिल गया, लेकिन एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में इतनी तीखी जुबानी जंग कभी नहीं हुई जितनी इस चुनाव के वक्त हो रही है। उद्धव ठाकरे हमको घर का नौकर समझने लगे थे, एकनाथ शिंदे ने नागपुर के पास रामटेक में ये बयान तो सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेकर लिया, लेकिन रामटेक में ही डॉक्टर्स के बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी खूब आलोचना हो रही है। रामटेक में एक कार्यक्रम में डॉक्टरों के बीच पहुंचे सीएम एकनाथ शिंदे, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम लिए बगैर कहा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैंने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, मैंने कई लोगों की गर्दन से सपोर्ट बेल्ट निकाली है। सीएम एकनाथ शिंदे का ये बयान महाराष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के लोगों को भा नहीं रहा है। दरअसल सबको पता है कि भले ही ये बयान सीएम ने उद्धव का नाम लेकर ना दिया हो, लेकिन जून 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत की थी उसी दौरान उद्धव ठाकरे के गले का ऑपरेशन हुआ था और उन्हें गर्दन पर बेल्ट पहने हुए देखा जाता था। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स लिख रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस स्तर पर गिरकर किसी की बीमारी पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमने आपको जैसा कि पहले बताया कि सीएम एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ठेठ शिवसेना वाले अंदाज में। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को हमेशा आक्रामक राजनीति और आक्रामक बयानबाजी के लिए जाना जाता है। इसी आक्रामकता के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, लेकिन विदर्भ में इसी कड़ी में उन्होंने एक ऐसा आक्रामक बयान भी दे डाला है जो उनकी आका बीजेपी और उसके बड़े नेताओं खासकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को खटक सकती है। बात 7 अप्रैल नागपुर की है। सीएम शिंदे ने गडकरी के साथ रोड शो किया, गडकरी की खूब तारीफ की, नागपुर लोकसभा सीट पर नितिन गडकरी की बंपर जीत का दावा भी किया। पत्रकारों के बीच बोल गए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय बाला साहब के लिए सबसे पसंदीदा मंत्री थे ये। 90 के दशक में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी
तब गडकरी ने मुंबई में फ्लाईओवर बनवाए, जिससे बाला साहब ने उन्हें रोडकरी नाम दिया था। महाराष्ट्र के विदर्भ में एकनाथ शिंदे जिस तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि ये चुनाव शिंदे के लिए अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव है। अभी तो उनकी बीजेपी के साथ सरकार है, लेकिन उन्हें बीजेपी हमेशा ऐसी अहमियत तो देने से रही। उन्हें अपनी पार्टी का मजबूत बेस बनाना होगा और उसके लिए कार्यकर्ता तो उन्हें पुराने शिवसेना से ही मिलेंगे, बीजेपी से नहीं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। मोटे तौर पर यहाँ NDA वर्सेस इंडिया गठबंधन है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये गठबंधन आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे अब खुले तौर पर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इनमें से कई बयानों में बिल्कुल उनके गुरु स्वर्गीय आनंद दिघे और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की झलक दिख रही है। आपको बता दें कि आनंद दिघे और बाला साहब ठाकरे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और 60 के दशक में दोनों नेताओं ने शिवसेना जैसी आक्रामक हिंदुत्ववादी पार्टी की स्थापना की थी। स्वर्गीय आनंद दिघे ठाणे और आसपास के इलाके में शिवसेना का काम देखते थे, तो बाला साहब मुंबई, कोंकण और बाकी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मौजूदा CM एकनाथ शिंदे ने स्वर्गीय आनंद दिघे की अगुवाई में राजनीति के गुर सीखे। इसके बाद वो स्वर्गीय बाला साहब के परिवार के करीब आए। स्वर्गीय बाला साहब और आनंद दिघे के बाद दूसरी पीढ़ी के तीन नेताओं में शिवसेना के अंदर जबरदस्त कॉम्पिटिशन था, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे। लेकिन बाला साहब की विरासत उद्धव को मिली तो पार्टी में अंदरूनी कलह घर करने लगी। जून 2022 में इसने विस्फोटक रूप ले लिया। उद्धव और शिंदे की शिवसेना अब बिल्कुल अलग अलग है और दोनों अपनी सियासी जमीन बनाने में लगे हैं। उद्धव के पास सरकार तो नहीं है, पार्टी का चुनाव चिन्ह भी नहीं है, लेकिन बाला साहब की विरासत है। इसी को देखते हुए इंडिया गठबंधन ने उद्धव की पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए सबसे ज्यादा 22 सीटें दी हैं। वहीं एकनाथ शिंदे CM है, लेकिन NDA गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग फार्मूला नहीं बताया है। लेकिन जो खबरें छनकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक NDA महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ाएगा, दूसरे नंबर पर अजीत पवार की NCP को और तीसरे नंबर पर शिंदे वाली शिवसेना को। ऐसे में उम्मीद है कि शिंदे को ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सीटें ही चुनाव लड़ने के लिए मिलेंगी। ठाणे के पास कल्याण की लोकसभा सीट पर CM एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को चुनाव लड़ाया जाना है, इसलिए भी एकनाथ शिंदे ज्यादा सीटों की मांग नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी के सामने उन्हें कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। राजनीति लॉन्ग टर्म का गेम है। अभी तो निश्चित तौर पर CM शिंदे के पास पावर है, सरकार है, लेकिन असली चुनौती इसी लोकसभा चुनाव में पता चलने वाली है। इसी चुनाव के बाद उनकी और उनकी पार्टी की असली हैसियत सामने आएगी। इसी चुनाव के बाद बीजेपी के साथ उनकी पार्टी के गठबंधन के आगे के समीकरण फाइनल होंगे। इसीलिए शायर बशीर बद्र का ये शेर राजनेताओं पर भी फिट बैठता है कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। वैसे एक बात और आपको बता दें कि जिन बाला साहब की विरासत का नाम लेकर शिंदे आक्रामक बयान दे रहे हैं, उन स्वर्गीय बाला साहब का ये रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने कभी अपने किसी बयान का खंडन नहीं किया, न ही कभी ये कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। शिंदे जो बयान दे रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्ज हो रहे हैं। तो सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर करेंगे नुक्ताचीनी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।